ट्रिक सीखो मुझसे, ट्रिक कुछ थोड़ी आप लोग ना थोड़ा जीनियस हो जाओ मेरे साथ रह रहे के। मुझे कहीं कौन है तुम्हारे साथ, बोलो कि आप बोलो कि ये मेरा भाई है, मेरे साथ पूछेगा कोई कौन है तो आप बोलोगे नहीं ये मेरी मम्मा नहीं है। ओए ओए ये क्या ऑयलिंग फिनिश हो गया, ऑयलिंग फिनिश खत्म, खलास हो गया भैया टाइम पे। किसी ने देख लिया और उन्होंने बोला अरे तुम हमारी मम्मा व्लॉग्स बनाती हैं। हमने उसके बम देख लिया, बार बार रिपीट में मुझे चलवाया जा रहा है, चलवाया जा रहा है। बस आप चलते जाओ मेरे साथ साथ, मैं बता दूंगी कहाँ जाना है। ये फंकी वॉच आ गई, इनका बेल्ट, फंकी टाई, ओहो टाई टीचर ने नाम ही लग गया टाई के ऊपर पता नहीं क्यों, और ये अफाम बना रहे हैं, इससे तैयार होते हैं अफाम साहब माशाल्लाह। Very good, very good. Wait, move. Two, three. Now it's time to... Shit. Shoes to buy any from them. To ye re shoes. One, two, three. Okay? Done ho gaye shoes. Look. Sorry, time to... Go. Bag kaun leke jayega bag? Hold your bag. अलीजा वेरी गुड, गो बाय बाय। अलीजा के बाल मुझे पता नहीं बड़े बड़े लग रहे हैं, एक रात में ऐसे लग रहे हैं अलीजा के बाल थोड़े से बड़े हो गए। क्या पे हो गया आपका गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर डे, हियर इज सैयद नौरीन वकारी, यू वाचिंग बोलना से बोल। ये देखो मेरे बच्चों के काम, मैंने 10 दफा बोला बेटा इधर उधर ना अपनी शर्ट्स नहीं फेंका करो, मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये लोग ना इधर उधर अपने मैले कपड़े फेंक देते हैं। सब चिड़े मुझे मैले कपड़े मुझे ना घर में इधर उधर पड़े हुए ना दिखे, बाकी सब चीज बर्दाश्त है। तो वकार को भी ऑफिस जाना था तो इसलिए वकार के साथ बच्चे जो है ना स्कूल जा चुके हैं। अब मैं जल्द से आती हूँ, मुंह हाथ धोती हूँ, नाश्ता वाश्ता करती हूँ, काम पर लेती हूँ, क्योंकि कल भी मैंने जल्दी से खाना बना लिया था ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। फिर ये मैं दोपहर में सो गई थी, ठीक सोकर फिर बस मैंने डस्टिंग वगैरह की थी, पूरा दिन मैं फ्री थी आराम से, फिर चिल मार रही थी, टीवी शीवी देख रही थी। ऐसा करूँ सबसे पहले और उसके बाद सोचूं कि आज क्या पकाना है मुझे, जब तक बच्चे हैं तो मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो आप लोग रहिएगा हमारे साथ और उसके लिए जल्दी से जाइए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू डे विद न्यू वाइब्स। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फाइनली अफाम स्कूल से आ गए थे, स्कूल से आके अफाम ने नहा भी लिया माशाल्लाह से, इन्होंने लंच भी अपना पूरा कर लिया और अब जो है ना आराम से सो गए, एक बजने वाला है अभी। तो ये जी किचन में तशरीफ ले आए हैं हम, आपकी बहन किचन में तशरीफ ले आई है और आज हम बना रहे हैं जी मसूर पुलाव। गरम मसाला भिगा के रख दिए पहले से और ये दाल भी काली वाली भिगा दी है, मैं काटती हूँ प्याज और टमाटर और जल्दी से हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं अभी तो बताया था, ये मसूर पुलाव। सालन को चावल के साथ मिक्स करके मैंने गरम कर लिया है, तो दोनों को बार बार कौन गरम करे एक साथ ही गरम कर लो। तो ट्रिक सीखो मुझसे, ट्रिक कुछ थोड़ी आप लोग ना थोड़ा जीनियस हो जाओ मेरे साथ रह रहे के। पहले मैं ही खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत तेज वाली भूख लग रही है वल्ला। और यहाँ पे जी आपकी बहन की चाय भी रेडी हो गई है एज यूजुअल एवरी डे मिला दिया हमने, चाय पीऊंगी राइस खाऊंगी उसके बाद खाना बनाऊंगी। ओए ओए ये क्या ऑयलिंग फिनिश हो गया, ऑयली फिनिश खत्म, खलास हो गया भैया एंड टाइम पे। एंड टाइम पे कोई भी चीज खत्म होती है ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है यार। मम्मी ये क्या हुआ, जोश मारा है भाई इसने, खुबा डरा दिया। दान टोकरी हमने इसमें ना मसाला भी डाल दिया, आलू भी डाल दिए और जो पैकेट का मसाला भी डाल दिया, घर के मसाले भी सारे डाल दिए, इसको अच्छे से भूनेंगे। जो होती है ना दाल वाली, काली वाली दाल जो होती है ना वो डालेंगे इसमें। अब मैं खाती हूँ चावल बैठ के आराम से और चाय पीती हूँ, चाय भी लेके जाऊँ। वेयर इज करण? अफाम साहब उठ चुके हैं, इस इवनिंग टाइम हमारे चावल खाने वाला बन गया, अफाम भी उठ गए और जी हमारे टाइम हो गया 4 बज गए जी 4। इंसान बन जाओ अफाम, कोई भी फनी चीज देखता है अफाम उस चीज को इतना रिपीट करता है, इतना रिपीट करता है कि वो हेयर्स हो जाती है, मेरी आंखों में रच बस जाती है। किसी का व्लॉग देख रही थी मैं, अफाम ने उसके बम देख लिया, बार बार रिपीट में मुझे चलवाया जा रहा है, चलवाया जा रहा है। जो फनी कैरेक्टर होता है ना उससे भी आप बाजार हो जाते हो, फिर वो फनी कैरेक्टर भी बोर लगने लगता है, फॉर्म इतना दिखा देता है। ओ जी हमारा मसूर पुलाव जो है ना वो रेडी हो चुका है और अब हम जल्दी से देते हैं इसको अलीरजा को और अफाम को। अफाम के लिए हमने मैश कर लिया मसूर पुलाव और अलीरजा को, अलीरजा का मसूर पुलाव।
ओके चलो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुन लो आज की बैड न्यूज ये है कि आइंदा जो है ना आप लोग मेरे व्लॉग में अली रजा को नहीं देखेंगे, क्योंकि अली रजा के किसी फ्रेंड के रिकमेंडेशन में व्लॉग आ गया उसकी मम्मा के रिकमेंडेशन में। अरे तुम हमारी मम्मा व्लॉग्स बनाती है, तुम ये वाला गेम खेलते हो, जब स्कूल की दोस्ती अली रजा स्कूल तक रखता है, ऑनलाइन फ्रेंड्स की दोस्ती अली रजा ऑनलाइन फ्रेंड्स की हद तक रखते हो, रिलेटिव की दोस्ती अली रजा रिलेटिव की हद तक रखते हैं। अली रजा में घर में जाते हैं ना अली रजा को अपने कजन से उसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। कोशिश करूंगी मैं थोड़ा थोड़ा सा उसको ले लूं यार, क्योंकि अफाम के चैनल में मैं अफाम की पुरानी वीडियो देखती हूँ ना, ऐसा था वो कैसे लग रहे हैं कैसे बात करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगी कहीं कहीं किसी किसी जगह पे अली रजा को ले लूं, बाकी जगह पे मैं हाइड करने की कोशिश करूंगी, मानूंगी उसकी भी बात, क्या होता है देखेंगे हम क्या ये होता क्या है। क्यों अफाम के चैनल पे क्या प्रॉब्लम है, तो मेरे भी शॉर्ट्स में आ जाओगे, हाँ मैं ये सही है ये कर लू, मेरा भी जो शॉर्ट्स होगा ना उसमें ले लूंगी आपको, शॉर्ट्स में भी तो कोई नहीं देख सकता ना, ताकि आप सबको बोलो ये मेरा भाई और ये मेरी मम्मा नहीं है। मैं पूछेगा ये कौन है तुम्हारे साथ, तो बोलोगे आप बोलोगे ये मेरा भाई, और मेरे साथ पूछेगा कोई कौन है तो आप बोलोगे ना ये मेरी मम्मा नहीं है। वेलकम टू माय YouTube चैनल, आई डू दिस बास्केटबॉल देन आई डू अफाम और मैं हम दोनों जाते हैं जी वॉक पर, वॉक पे से हम वहां से हम लेंगे आइसक्रीम, खाने का बड़ा दिल चाह रहा है मेरा, तो हम लेते हैं एक आइसक्रीम और वॉक करके वापस से आते हैं। अली थोड़ा सा अफाम को थका के भी लेकर आती हूँ, बाकी हम थक जाए तो आराम से आके सो जाएंगे। नूडल आए ना घर पे है, तो डरना नहीं, तो मैं जहाँ पे भी जाती हूँ थोड़ा सा डरा के जाती हूँ, तब पीछे भाग के इन्हों गर्मी हो रही इसलिए तो मैंने कहा आइसक्रीम खाएंगे यार, बस आप चलते जाओ मेरे साथ साथ मैं बता दूंगी कहाँ जाती हूँ। छोटे छोटे डब्बे वाले आइसक्रीम होती है ना यार, गर्मी आ गई ना तो इसलिए अब वो खाने का दिल चाह रहा है। मोबाइल फिर जाता भी मेरे हाथ से। अब आ गए हम ग्रोसरी में, मुझे याद आया यहाँ पे ऑयल भी लेना है मुझे, अभी मैं लूंगी ऑयल। ऑयल कहाँ रखा है, ऑयल वेयर इज ऑयल, ये रहा आई थिंक यार यही ऑयल ले लेती हूँ, मुझे और तो बाकी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन कौन से क्या है, ये मुझे छोटा नजर आ रहा है, बाद में फिर वकार से मंगा लूंगी, फिलहाल ये ले लेती हूँ कल के लिए। ये बहुत अच्छी लगती है, अंदर से ये होती है क्रीम और ऊपर इसकी चॉकलेट टाइप की होती है। लेट्स गो टू काउंटर, व्हिच वन डन, चलो चिप्स भी ले ली आइसक्रीम भी ले ली, लेट्स गो, चलो 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 लेट्स गो। अली सर रुको, अली सर रुको, अरे बताओ ना पक्की बात, देखो यहाँ पे योमी की ब्रेड है ये रखी हुई है ना, एक ले ली तुम, उठाओ योमी की उठाओ यार, हमने ब्रेड भी ले ली, भी ले ली, अभी ले ली, सब ले ली, चलो काउंटर पे चलते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है इसमें, एक तो ना यार पता नहीं उसने बिल नहीं दिया ना अपनी तरफ से, उसने पैसे लगाए ये बहुत नंबर जा रहे हो आप, पता है आपको वो कहाँ है ऑयल कहाँ है, सिर्फ दो से चार चीजें ली है 30 दिरहम हो गए, मतलब कोई महंगाई भाई, सब जगह महंगाई है, दो चीजें ली है आइसक्रीम ली है और ये चिप्स ली है और 30 दिरहम बन गए पता नहीं कहाँ से। वालेकुम अस्सलाम, 5 मिनट आप लेट हो जाते हैं, गाड़ी में बैठे थे आप, हमें देखा आपने, तो जी मैं ले आई हूँ अपनी चाय गर्म करके, अब वकार से चले गए बाहर, मैंने इत्तेफाक से अपनी चाय बनाई ली थी जब वकार आया ऑफिस से, फिर वकार ने अभी खाना शाना खाया है, तो अब जो है ना वकार गए अपनी चाय लेने के लिए और मैंने जो अपनी चाय बनाई है घर में मैं वो पी थी, फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद जाऊंगी मैं नमाज पढ़ने, फिर नमाज पढ़ने के बाद हम सुनाएंगे अफहम को। हमारी नमाज खाना चाय सब हो गया है और बच्चे सो चुके हैं, वकार भी सो चुके हैं और मेरे बर्तन रह गए थे थोड़े से, सारे बर्तन मैंने क्लीन कर दिए थे धो दिए थे, उसके बाद जब मैं किचन में गई हूँ ना एंड में मैंने एंट्री मारी है, मैंने कहा लाओ जो खाना बचा हुआ है मैं फ्रिज में रख दूँ खराब ना हो जाएगी, मैंने देखा तो अगेन वही 3-4 प्लेट्स और स्पून और प्याले रही थे, मैंने धोया अगेन सब साफ किया स्लैब और अब मैं फ्री हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ टिकटॉक पे लाइव। आप लोग रखना अपना बहुत सारा वाला ख्याल, मिलेंगे हम टुमारो एक नए दिन के साथ, जब तक ले दीजिए अपनी बहन को इजाजत, तो टाटा बाय बाय शब बखर दुनिया वालों, चिक 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 चिका। Thank you.